हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आज मैं वृंदावन आया हुआ हूँ और आज वृंदावन में क्लब काइट फाइटिंग के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के ज़्यादातर शहरों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आपका लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, सभी जगह के तकरीबन सभी जगह के टीम्स यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको ग्राउंड का भी व्यू दिखा दें और ये पतंगे भी दिखा दीजिए। ये पतंगे सारी उड़ करके जा रही हैं आसमान में। इस साइड की भी दिखाइए आप, इस साइड की भी थोड़ा सा दिखा दीजिए पतंग। इस मैदान में, वृंदावन के इस मैदान में काफ़ी चहल पहल है और यहाँ का जो मैदान है वृंदावन से थोड़ा सा दूर है और मेन जो शहर है उससे थोड़ा सा दूर है, लेकिन बहुत ही सेफ और बहुत बढ़िया यहाँ पे मैदान है और बड़ा ज़बरदस्त काइट फाइटिंग होना है। और आज देखते हैं कि किस टीम के अंदर कितना दम है। और मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। ये जो वृंदावन का ग्राउंड है ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ह्यूज ग्राउंड, कई किलोमीटर का ग्राउंड है और ऐसा ग्राउंड जो है हिंदुस्तान में क्लब काइट फाइटिंग के लिए बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और लोग पतंगों को खींच रहे हैं। क्लब काइट फाइटिंग जो है पूरे हिंदुस्तान में होता है और हर शहर में हर साल कोई ना कोई शहर, जैसे पहले लखनऊ में हुआ, इससे पिछले साल जो है कोलकाता में हुआ, और कोलकाता में जो क्लब काइट फाइटिंग हुआ था उसमें वृंदावन की टीम नहीं वो काइट फाइटिंग जीती थी। और ये लोग पूरे इंडिया से हर जगह से प्लेयर्स लेकर के आते हैं यहाँ पे और जो दी बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वही क्लब काइट फाइटिंग करते हैं और एक से बढ़कर एक ताकतवर प्लेयर आते हैं। वृंदावन में पूरे शहर में जब कोई किसी से नमस्ते बोलता है या राम राम बोलता है तो वहाँ पे जवाब आता है राधे राधे। हर तरफ पूरे शहर में सिर्फ राधे राधे ही बोला जाता है। जो रेड गाड़ी के पास प्लेयर येलो शर्ट में हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं और दिल्ली की टीम का आज कोलकाता की टीम से फाइटिंग है और लखनऊ की भी टीम आई हुई है, दिल्ली के कई सारी टीम आई हुई है और हर टीम का किसी न किसी दूसरे शहर की टीम के साथ काइट फाइटिंग है। ये क्लब काइट फाइटिंग इतना इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें जो दिलचस्पी बचपन से शुरू होती है और एक ओल्ड एज तक भी जाके ख़त्म नहीं होता है। मतलब क्लब काइट फाइटिंग तो 18 साल से ऊपर के एज के लोगों के लिए है और 18 साल से लेकर के एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई 100 साल का आदमी भी फिट है तो वो भी क्लब काइट फाइटिंग कर सकता है और होता भी है। यहाँ पे इसी तरह की बात ही होती है। यंग लड़कों का मुकाबला जो है काफ़ी एजेड लोगों के साथ भी होता है। बहुत अच्छा ग्राउंड है और इस ग्राउंड को देख करके मैं काफ़ी खुश हो रहा हूँ। मैं तो रेगुलर आता रहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया हर जगह ही जाते रहती है हमारी टीम। अच्छा दोस्तों, अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष जी, यही नाम है। और मैं आपको, हो सकता है इसकी बाद जो वीडियो बनेगा वो क्लब काइट फाइटिंग के ऊपर बनेगा और टूर्नामेंट के जो फाइट्स होंगी वो भी बनेगा, उसको भी आप देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना। और मेरा अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।